संसार में किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, किसी से भी। चाहे माँ है, चाहे बाप है, भाई है, बंधु है, क्योंकि कितना भी प्रेम करोगे सब एक दिन अलग अलग जाएंगे। यही बात भगवान ने दशम स्कंद के आखिर में, पूर्वार्ध के आखिर में कहा था। वो जानते थे कि महाभारत होने वाला है और ये मेरा तेरा के पीछे झगड़ा होगा। धृतराष्ट्र कहेगा ये मेरा लड़का है दुर्योधन, और हर आदमी यही कहता है ये हमारा परिवार, हमारा कुनबा, हमारी स्त्री, हमारा बेटा, हमारा रिश्तेदार, हमारा नातेदार, और सब झूठ है, कोई किसी के नहीं है। तो तुम जाओ, अक्रूर से कहा पूर्वार्ध के आखिरी अध्याय में, एक बार दिल्ली हस्तिनापुर चले जाओ। धृतराष्ट्र बैठे हैं वहां गद्दी पर, और अगर वो ऐसा नहीं मानेंगे तो महाभारत होगा, दुनिया का नाश हो जाएगा। महाभारत से ऐसा नाश हुआ कि दुनिया में बड़े बड़े योद्धा थे, ऐसे ऐसे थे, अकेले दुनिया जीत ले, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, चलाया और लौटा लिया। अग्नि बाण छोड़ा और आग आई और चाहे जब लौटा लिया। अब एक भी ऐसा शस्त्र नहीं दुनिया में, जो छोड़ा वो तो मारेगा ही, लौटाल नहीं सकते हो। कितना भी दुनिया में तरक्की कर ले सी साइंस विज्ञान, किसी के पास ऐसा है ही नहीं वो विद्या जो उस समय महाभारत में थी। सब विद्या चली गई, ऐसा नाश हुआ कि आज तक न पूरा हो पाया न हो पाएगा। ये क्यों हुआ? इससे बचाने के लिए उन्होंने, भगवान ने कहा जाओ वहां समझाने की कोशिश तो करो। गए हस्तिनापुर, गद्दी पर धृतराष्ट्र महाराज बैठे थे, सम्राट। बोले आओ गुरु जी, कहां से आए? बोले भगवान कृष्ण के पास से आए हैं। अरे बड़ा खातिरदारी किया, बैठो बैठो बैठो, कहो कृष्ण ने क्या कहा है? बोले जो कुछ कहा हो सुनो, सुनाओ, हम तो कान खोले बैठे हैं। हंस गए क्रूर जी, कान खोले कहां बैठा है, तेरी आंख बंद है भीतर की बाहर की भी, लेकिन सुन ले। एका प्रसूयते जंतु, महाराज देखो जब जीव पैदा होता है, दुनिया के जितने जीव हैं, मनुष्य नहीं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर,
मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सर बिच्छू अकेले ही पैदा होते हैं ना। बोले हाँ ये तो बात है। एका प्रसूते जंतु, और जब मलते हैं तो साथ जाते हैं स्त्री और बेटा बेटी कुनबा साथ जाता है। बोले कोई नहीं जाता। एक एव विलीते, अकेले ही जाता है अकेले ही आता है। फिर यहां पर मेरा मेरा करके कुनबा जोड़ता है, बिल्कुल झूठ है। और एकोन उभुंगते सुकृतम, और अकेले ही भोग भोगता है। एक एव ज दुष्कृतम, अकष्ट पा रहा है तो भी अकेले भोगता है। हमारे पास बहुत पहले एक व्यक्ति आते थे, जींद एक इलाका है हरियाणा पंजाब में, तो वो एक दिन बड़े श्रद्धा से बोले महाराज हमको क्या है, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारी स्त्री मर जाए। हमने कहा ऐसा क्यों कहते हो भाई, तुम्हारी स्त्री है, तुमने जन्म भर उसका साथ दिया, इसलिए कह रहे हैं महाराज उसको ऐसा रोग हो गया है नीचे अंगों में कि रात भर वो कष्ट पाती है, चिल्लाती है सारी रात, इसलिए दुख देखा नहीं जाता। मैं आपके पास आया हूं, ये आशीर्वाद लेने आया हूं कि उसका प्राण निकल जाए, सेवा मैं कर रहा हूं, सेवा से नहीं घबराता हूं, लेकिन उसका कष्ट नहीं देख सकता। हमने कहा भाई ये हमारे में शक्ति नहीं है कि हम आशीर्वाद दें कोई मर जाए, ये तो पहले भी किसी जमाने में नहीं था। सूरदास जी लिखा है प्राण लिए जम जात मूढ़ मति देखत जननी तात, मां के सामने बेटा मर रहा है दम तोड़ रहा है, मां रो रही है लेकिन बचा नहीं सकती, उसके न बचा सकती न उसके कष्ट को घटा सकती है, ज्यादा करेगी रो देगी बस और कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जब अकेले हैं पैदा हुए अकेले जाएंगे, अकेले सुख भोगना अकेले दुख भोगना, तो किसी को अपना मत समझो। बस मैं यही कहने आया था, यही कृष्ण का संदेश है। भले बड़ा ज्ञान दिया क्रूर जी, उन्होंने तो बड़ी दया किया, ये सच्चा है ज्ञान सच्चा, लेकिन भाई उनके मन में कुछ नहीं उतरा और महाभारत हुआ, संसार का नाश हुआ। भगवान चाहते थे इसका मेरापन मिट जाए, मेरापन नहीं मिटा, ना उनका मिटा ना अपने लोगों का मिट रहा है। ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, घर मेरा, कुटुंब मेरा, हम लोग कहते हैं चेला मेरा, ये चेली मेरी, ये नहीं मिटता। ममता तू न गई मेरे मन से, तुलसीदास जी ने कहा मरने किनारे आ गया लेकिन मेरापन नहीं छोड़ता है, जाओ।